नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथियों। मैं राकेश सहारन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा एग्जाम्स बाई एग्जामपुर में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी एक एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सब कैसे हैं, और सभी स्टूडेंट एक एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए हरियाणा एग्जाम्स बाई एग्जामपुर व एग्जामपुर मेन यूट्यूब चैनल को। तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी एक एक बार ना सेशन को शेयर जरूर कर दो, अभी जितना हो सके क्लास के बीच बीच में सेशन को शेयर करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं लाइव हमसे जुड़ सकें। सभी स्टूडेंट्स से सेशन को शेयर करते रहिएगा, है ना। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, ठीक है। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। चलिए बच्चा लोग, सभी बच्चे ना एक एक बार सेशन को लाइक करो पहले, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करो, है ना। वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना, आवाज़ वगैरह सब क्लियर आ रही है ना, ठीक है। चलिए आरती, अच्छी बात है, अगर आप ठीक हो तो जरूर रखेंगे हम अपना ख्याल, चिंता मत कीजिए। चलिए अंशु राठी, बहुत अच्छी बात है, अगर डबल डबल शेयर कराए तो ठीक है। क्लियर है सब कुछ, क्लास को शुरू कर दिया जाए। चलिए सभी बच्चे ना पूरी क्लास में सेशन को शेयर करते रहना, मुझे शेयर करने का बोलना ना पड़े, ठीक है। हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं, आ जाइए सभी बच्चे लाइव। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का कार्य नहीं है। निम्न में से कुछ काम दिए गए हैं भाई, कितने हैं, चार, चार काम दिए गए हैं, इनमें से एक काम ऐसा है जो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का नहीं है, हमें उस काम की पहचान करनी है। तो बताइए शाबाश, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा काम है जो कि वाणिज्य विभाग का नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। साहिल सैनी बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। शुक्र रबदा बेटा, आपकी प्रणाम भी स्वीकार होती है। विकास लंबा, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए बच्चों सभी ना सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक भी कर दीजिए, और इस क्वेश्चन का दीजिए भी आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, अभी कौन सा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा के अंदर जो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है ना, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट है, उसका कौन सा काम इनमें से नहीं है, ये बताओ। शाबाश, ठीक है। चलिए धर्मवीर शेखावत का आंसर आया है, बाकी अभी तक शायद किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, ठीक है। चलिए सेशन को शेयर करते रहिए। निम्न में से कौन सा उद्योग, देखिए सूक्ष्म तथा लघु उद्योग के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। देखिए भाई, एक मान लीजिए कि हमने पौधा लगा दिया, अब उस पौधे के अनुकूल अगर वातावरण नहीं होगा तो क्या वो पौधा बच पाएगा, क्या वो पौधा बढ़ पाएगा आगे? जी नहीं, वो पौधा नष्ट हो जाएगा। जब उसे उसके अनुकूल, एकदम उसके अनुकूल वातावरण मिलेगा ना, तभी जाकर वो पौधा ग्रोथ कर पाता है। तो कोई भी लघु उद्योग हो या सूक्ष्म उद्योग हो, वो तभी ग्रो कर पाएगा, तभी वो सक्सेस होगा जब उसके अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाएगा। तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ये काम तो करता है भाई, ठीक है ना। सेकंड आ जाता है रोजगार सृजन तथा कौशल विकास को बढ़ावा देना। जब तक स्किल डेवलप नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है ना, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, वैसे जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, इस बेरोजगारी का निपटान करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो कौशल विकास को बढ़ावा देना भी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का एक काम रहता है, ठीक है। अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देना, जी नहीं, कोई भी अकुशल श्रमिक है तो उसको प्रशिक्षण देने की जिम्मेवारी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की कतई नहीं है, ठीक है। औद्योगिकरण हेतु नीति निर्धारित करना, समय समय पर नई नीतियां लेकर आना, तो इसका
बिल्कुल काम है, कंफर्म है ये चीज तो ये तो बिल्कुल राइट है। इसने पूछा है निम्न में से कौन सा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का कार्य नहीं है, तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का कार्य जो है ना वो कौन सा नहीं है, अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देना। कौन सा नहीं है भाई, अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देना, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन को शेयर करते रहिए सभी बच्चे ना, और लाइव बने रहिए अभी क्लास में। हरियाणा सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा, ठीक है, किस स्थान पर निवेश संवर्धन केंद्र स्थापित किए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी बच्चे। हरियाणा सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा, है ना वंदना चहल, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, हरियाणा सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा किस स्थान पर निवेश एवं संवर्धन केंद्र स्थापित किए गए हैं बताइए, शाबाश। चलिए साहिल शोकंदे, डिटेल करवा रहे हैं बेटा साथ की साथ है, कोशिश करते हैं थ्योरी वाली चीजें यहां कवर करने की, ठीक है। बताइए क्या राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है, वेरी गुड, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर बताया सभी बच्चों ने। देखिए हरियाणा सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने ना उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने क्या किया भाई, निवेश संवर्धन केंद्र स्थापित किए हैं। वो कहां कहां किए हैं, दिल्ली में भी किए हैं, चंडीगढ़ में भी किए हैं, यानी कि ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा का कौन सा बोर्ड, हरियाणा का कौन सा बोर्ड खादी उद्योगों के विकास में सहायता करता है, दिए गए ऑप्शन में से हरियाणा राज्य का कौन सा बोर्ड ऐसा है जो कि खादी जो उद्योग है ना, खादी उद्योग है, उनके डेवलप में क्या करता है भाई, सहायता करता है, तो बताइए शाबाश। हरियाणा खादी बोर्ड है या हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है या हरियाणा औद्योगिक बोर्ड है या हरियाणा ग्रामीण विकास बोर्ड है, बताइए शाबाश। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का इस बार, है ना, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। अब देखिए आपको पूछा जाए ना खादी से रिलेटेड क्वेश्चन, याद रखना खादी से रिलेटेड किसी भी बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, खादी से रिलेटेड क्या है ना, खादी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो एक चीज का हमेशा याद रखना, ठीक है, कि हरियाणा खादी बोर्ड अकेला नहीं आता कभी भी, हरियाणा खादी बोर्ड अकेला नहीं आएगा कभी भी, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड इसका हमेशा क्या रहता है भाई, आंसर रहता है, तो याद रखना आज के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, हरियाणा उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, एक बार कुछ क्वेश्चन डाले हैं मैंने आज, ठीक है, पागल बच्चा नींद से उठ जाइए बेटा, ठीक है, बताइए शाबाश क्या राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1969, 68 या 70, बताइए शाबाश। बिल्कुल सही, नरवाना वाले रामनिवास सुरजाखेड़ा हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन है, ये बिल्कुल सही बताया विकास लंबा आपने, वेरी गुड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी चलो इस बच्चे ने आपको याद दिलवाया है तो याद कर लीजिएगा भी, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, इसके चेयरमैन कौन है, रामनिवास सुरजाखेड़ा है जो कि नरवाना से विधायक है, ठीक है, तो बताइए क्या क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, वेरी गुड, बिल्कुल सही, जिन जिन बच्चों ने 1969 आंसर दिया है ना उनका बिल्कुल सही है, तो हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसके अध्यक्ष सॉरी चेयरमैन जो है वो क्या है भाई, रामनिवास सुरजाखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शाबाश, पंचकूला प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है भाई, उद्योग धंधों से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, क्या पंचकूला घड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, धूप के चश्मों के लिए प्रसिद्ध है, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए प्रसिद्ध है, पंचकूला
जो कि हरियाणा का एक नया स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। भाई हरियाणा सरकार अपने खर्चे पर जिसे स्मार्ट सिटी बनाएगी, जिसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करेगी, यही पंचकूला है। पूछा है भाई किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। शाबाश। घड़ियों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, बताइए। शाबाश। चलिए कुणाल प्रतीक, आपकी नमस्कार भी स्वीकार होती है। बताइए सभी बच्चे इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर आएगा। देखो भाई जहां तक मैं आंसर देख पा रहा हूं ना आप लोगों के, जहां तक मैं आपको आप लोगों के आंसर देख पा रहा हूं, देख लीजिएगा गलत आंसर आ रहा है। ठीक है, गलत आंसर आ रहा है। पंचकूला किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। वैसे तो पंचकूला है ना, वैसे तो पंचकूला क्या है, घड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, घड़ी के लिए भी। ठीक है, घड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, धूप के चश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है, धूप के चश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन जब क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए ना, पंचकूला प्रसिद्ध है, तो पंचकूला की एक फील्ड में अपनी खुद की अलग ही पहचान है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। ठीक है ना, पंचकूला अगर ये ऑप्शन में रहेंगे, पूछा जाए ना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पंचकूला सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है ना, वो प्रसिद्ध है भाई इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। जब इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑप्शन में नहीं होगा तो घड़ी आंसर आएगा, घड़ी भी ऑप्शन में नहीं होगा तो धूप के चश्मे आंसर आएगा। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑप्शन में विद्यमान है तब तक यही आंसर आएगा। हाँ, अगर बर्तनों के लिए की जगह होता ना उपरोक्त सभी, फिर हम उपरोक्त सभी आंसर दे देते। लेकिन पंचकूला स्पेशल प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग कैथल में अवस्थित है? हरियाणा राज्य में गुरुद्वारों का शहर, हरियाणा की छोटी काशी के नाम से एक शहर जाना जाता है भाई, नाम है कैथल। यह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन संयंत्र जो कि अभी अभी नया नया लगा है यहां पर, है ना, पैंट्स उद्योग और ट्यूबवेल सामग्री या उपरोक्त सभी। कैथल किसके लिए प्रसिद्ध है? के कुमार गौतम है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए पंचकूला प्रसिद्ध है, अंबाला पर तो काटा ही मार दो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए सबसे ज्यादा अगर हरियाणा का कोई जिला, देखिए इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए गुरुग्राम भी प्रसिद्ध है, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए आपका बहादुरगढ़ और फरीदाबाद भी प्रसिद्ध है, लेकिन हरियाणा के 22 जिलों में जितने भी शहर हैं उनमें से इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है ना वो पंचकूला है। आज के बाद याद रखना इस चीज को, अंबाला पर काटा मार दीजिएगा, किसी भ्रम में मत रहिएगा। ठीक है, बताइए शाबाश इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर आएगा। निम्न में से कौन सा उद्योग है कैथल में स्थित है, बताइए शाबाश। जहां तक मैं देख पा रहा हूं मुझे ना स्क्रीन बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं दे रही, क्या आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है? क्या आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है क्या? अगर ऐसा है तो बताइए एक बार सभी बच्चे, मुझे स्क्रीन साफ दिखाई नहीं दे रही, आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बताओ यार। कुछ बच्चों के पास क्लियर है लेकिन कुछ बच्चों के पास क्लियर नहीं है। चलिए इस पर काम करते हैं। दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे ना तो क्या आ जाएगा भाई, उपरोक्त सभी आ जाएगा। हरियाणा के गुरुद्वारों का शहर कौन सा है भाई, क्वेश्चन पूछा जाए गुरुद्वारों का शहर पूछा जाए कौन सा है, तो कौन सा है भाई, कैथल है। क्लियर है ना पॉइंट। पूछा जाए हरियाणा की छोटी काशी, वैसे तो आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ पढ़कर बोर हो चुके हो ये वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए तो कैथल आंसर कर दीजिएगा। क्या आंसर करोगे भाई, कैथल। प्रतापगढ़ गेट, क्योड़क गेट, सीवन गेट, ये सब गेट भी पूछे जाए ना, सीवन गेट, 7 गेट हैं टोटल यहां पर। ठीक है, प्रताप गेट, प्रताप गेट, क्योड़क गेट,
क्योडक गेट, ये सब भी पूछे जाए, ये सब गेट कहां पर हैं, तो ये सब गेट भी हरियाणा राज्य के कैथल जिले में है। जबकि तेल शोधन संयंत्र, ट्यूबवेल सामग्री, पेंट्स उद्योग के लिए आपका क्या है, कैथल प्रसिद्ध है। क्लियर है पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झज्जर के किस शहर में योकोहामा टायर फैक्ट्री स्थित है? झज्जर के किस शहर में योकोहामा टायर फैक्ट्री स्थित है, बताइए। शाबाश। कुलबीर बेटा, एक एक टॉपिक से पांच पांच छह छह क्वेश्चन ही उठाता हूं। जैसे अभी तक हमारे ना सातवां क्वेश्चन है, देखिए सातवां क्वेश्चन है और सातों के सातों हरियाणा के उद्योग से उठाए हैं मैंने, तो एक एक क्वेश्चन से मैं आठ आठ नौ नौ दस दस से एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा हूं। इसी प्रकार से टॉपिक कवर हो जाएंगे, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। बताओ, शाबाश। वेरी गुड। देखिए प्रतापगढ़ नाम से तो कोई शहर प्रसिद्ध हमने सुना ही नहीं है। शहर बिल्कुल है, लेकिन प्रसिद्ध शहर हमने नहीं सुना। टोहाना, हाँ टोहाना प्रसिद्ध है, लेकिन झज्जर में नहीं है, फतेहाबाद में है। नदियों का शहर के नाम से जाना जाता है। जगाधरी हरियाणा की छोटी पीतल नगरी है, लेकिन यमुनानगर में है। कौन सा ऐसा शहर है जो कि योकोहामा टायर कंपनी के लिए जाना जाता है, जहां योकोहामा टायर फैक्ट्री है, वो कौन सा है भाई? बहादुरगढ़। हरियाणा राज्य के किस जिले में? झज्जर जिले में। क्या कहा जाता है बहादुरगढ़ को? हरियाणा का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ हरियाणा कह सकते हैं इसको, ठीक है। हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सैनिटरी उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध जो है ना वो है ये सैनिटरी उद्योग के लिए, उद्योग के लिए आपका क्या है ये प्रसिद्ध है। क्लियर है पॉइंट है। सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह सूर्य नाम से आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आती है ना, पाइप आती है सूर्य नाम से, या फिर सूर्य नाम से इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आती है, वो भी बहादुरगढ़ शहर में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए तो मैंने बताया था कि बहादुरगढ़ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए जाना जाता है। बहादुरगढ़ के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद भी जाने जाते हैं, लेकिन ऑल ओवर टॉप देखा जाए ना इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए टॉप पोजीशन पर है, कौन सा जिला है? तो पंचकूला है। क्लियर है पॉइंट है। प्रतापगढ़ फार्म कहां स्थित है, बताओ शाबाश। झज्जर, हिसार, करनाल या फतेहाबाद? प्रतापगढ़ फार्म कहां पर स्थित है? अच्छा, भाद्रगढ़ के बम्ब से भी प्रसिद्ध है क्या? अच्छा, वो हरियाणवी गाना, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भगतो, ठीक है। बताओ शाबाश, क्या राइट आंसर रहेगा? सभी बच्चे एक एक बार सेशन को लाइक करना भी। 114 स्टूडेंट लाइक लाइव हैं, जबकि लाइक है ओनली 56। चलो इसको 100 कर देते हैं 1 मिनट में। शाबाश, सेशन को लाइक कर दो एक बार। वेरी गुड मॉर्निंग दीपक रोहिला, ठीक है। प्रतापगढ़ फार्म पूछा है भी कहां पर स्थित है, बता दिया क्या सभी ने आंसर? बिल्कुल सही बताया, झज्जर जिले में। कहां पर स्थित है प्रतापगढ़ फार्म में? झज्जर जिले में। अब एक चीज का ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाए प्रतापगढ़ फार्म कहां पर स्थित है, यही पूछा है, तो क्या आंसर दोगे? इसका आंसर दोगे आप हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में। अब क्वेश्चन पूछा जाए प्रताप गेट कहां पर है, प्रताप गेट कहां पर है, उस समय आंसर आपको कैथल देना पड़ेगा। तो प्रताप गेट जो है वो कहां पर है? कैथल में। और प्रतापगढ़ फार्म जो है वो कहां पर है? झज्जर में। क्लियर हुआ पॉइंट है। प्रतापगढ़ फार्म कहां पर स्थित है भाई? झज्जर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या राइट आंसर आएगा? शाबाश। हरियाणा के किस जिले को ईंट भट्टा उद्योग के लिए विख्यात होने के कारण भट्टा किंग के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हरियाणा का कौन सा जिला भट्टा किंग के नाम से फेमस है, बताइए शाबाश। हरियाणा के किस जिले को
ईंट भट्टा उद्योग के लिए विख्यात होने के कारण भट्टा उद्योग के या भट्टा किंग के नाम से भी जाना जाता है? बताओ। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का इस बार, ठीक है ना। हरियाणा राज्य के झज्जर जिले को, किस जिले को भाई? झज्जर जिले को भट्टा किंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह क्या है, ईंट भट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हुआ पॉइंट है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हरियाणा में रामदास जयंती किस मनाई जाती है? वो अति उत्साह से मनाई जाती है। कहां पर मनाई जाती है? हरियाणा में किस स्थान पर है रामदास जयंती? बताइए शाबाश, हरियाणा में रामदास जयंती कहां पर मनाई जाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखना। हरियाणा में रामदास, बिल्कुल कार्तिक मलिक हैं, 110% आपके एचटेट के लिए क्लास है ये। एचटेट के अंदर आपकी जो हरियाणा जी की आएगी ना, यहीं से आएगी, तो एचटेट के लिए भी ये क्लास आपके लिए श्योरली हेल्पफुल है। बताइए शाबाश, क्या राइट आंसर आएगा? रामदास जयंती कहां पर मनाई जाती है? रामदास जयंती कहां पर है मनाई जाती है? इस बार फिर से गलत गाड़ी पकड़ ली भक्त जनों ने, है ना, गलत आंसर आ रहा है। इस बार फिर से गलत गाड़ी की टिकट कटवा ली आप लोगों ने, मुझे ये लग रहा है भाई, ठीक है ना। बताइए शाबाश, अनीता शर्मा, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, पागल बच्चा आपका भी सही आंसर है, ठीक है। अब कुछ कुछ आंसर चेंज हो गए, है ना। देखिए एक बार मैंने बोल दिया कि गलत आंसर आ रहे हैं। दीपक रोहिला, थैंक यू बच्चे, ठीक है। जैसे ही मैंने बोल दिया कि गलत आंसर आ रहे हैं, झट से आंसर चेंज कर दिया। रामदास जयंती दादरी हिंडोल में मनाई जाती है। यार एक चीज का थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया करो, तीन नामों में सिर्फ मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाला है, दादरी के साथ है, मैंने ब्रैकेट में एक नाम और डाल रखा है, तो यहां से अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया करो कि यार ये एक्स्ट्रा नाम क्यों डाल रखा है, कहीं आंसर यहीं से तो निकल कर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो रामदास जयंती जो मनाई जाती है अति उत्साह के साथ, वो कहां पर है? दादरी के अंदर, चरखी दादरी के अंदर मनाई जाती है, हरियाणा का 22वां जिला। क्लियर है ना पॉइंट, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, छह माही आठम सांझी व्रत। छह माही का मतलब तो सिंपल सा ये हो गया भाई कि साल के अंदर दो बार तो ये किया ही किया जाता है, एक व्रत है रखा जाता है, फास्ट है जो रखा जाता है, तो छह माही लिख दिया तो यूं मान लीजिएगा कि हर छह महीने बाद, यानी कि साल में दो बार तो ये रखा ही रखा जाता है। तो छह माही आठम सांझी व्रत किस माह में रखा जाता है? अब आने दो तुक्कों की बहार, मुझे पता है तुक्कों की बहार आएगी अभी, लेकिन मुझे अपने प्रिय विद्यार्थियों पर विश्वास है भाई, ठीक है। बताइए शाबाश, बताइए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर आएगा, और सभी बच्चे सेशन को शेयर करते रहिए, जो भी बच्चे लाइव बैठे हैं, कोई बच्चा भागिएगा मत, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट और नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन, ठीक है ना। विशाख और साढ़ विकास लंबा गलत है, ठीक है। और बताइए सब बच्चे, ऑप्शन बी, चलो भी कुछ कुछ धीरे धीरे ऑप्शन काट देता हूं, विशाख और अषाढ़ गलत है। अब बताओ क्या आंसर आ सकता है, और सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दो बेटा, शाबाश, ठीक है। अब बता दूं क्या आंसर है ना, एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम भी नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए, चैत्र माह में और अश्विन, चेत और आसोज बोलते हैं विदेशी भाषा में, है ना। वैसे तो क्या है, हिंदी में हम लिखेंगे तो हमें चैत्र और आश्विन लिखना पड़ेगा, लेकिन जो है ना, क्या बोलते हैं भी, जो हमारे घरेलू भाषा में हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, वो बोलते हैं चेत और आसोज, ठीक है ना। तो छमाही आठम सांझी का जो व्रत है ना, वो दो बार मनाया जाता है साल में, एक बार तो मनाया जाता है चैत्र माह में और एक बार मनाया जाता है आश्विन माह में। क्लियर हुआ ना पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से धमाकेदार है, याद रखिएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? निर्जला ग्यारस, दुर्गा माता व्रत, अहोई माता,
या फिर ये सभी, बताइए। शाबाश। ज्येष्ठ मास यानी कि जेठ का महीना, जहां पर मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिस महीने में, जेठ के महीने में जो शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं ना, दो पक्ष होते हैं, एक देखा होगा भी जिस पक्ष में रातें, रातों में अंधेरा ज्यादा होता है ना, अंधेरी रातें होती है, वो होता है कृष्ण पक्ष, ठीक है। वो कौन सा होता है? वो होता है कृष्ण पक्ष। और जिन जिस पक्ष में रोशनी ज्यादा होती है, चांद ज्यादा चमकता है, ट्रांसपेरेंसी दूर तक रहती है ना, पारदर्शिता, तो वो होता है शुक्ल पक्ष। तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि ग्यारस, मैं बता देता हूं आपको, ग्यारस बोलते हैं वैसे इसको, तो इसमें हाँ विकास, विकास लंबा, वेरी गुड, मिठे पानी वाला है ना, धर्मवीर शेखावत है, इस दिन रोडों पर मीठा पानी पिलाते हैं गुरुजी, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने, ठीक है ना। बिल्कुल सही है ना, पानी के साथ साथ है तरबूज भी खिलाया जाता है, ठीक है। क्या होता है अभी, पानी के साथ साथ है तरबूज भी खिलाया जाता है, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना। तो क्या राइट आंसर आ जाएगा इसका, निर्जला ग्यारस किन महीनों में आती है भाई, मई जून के महीने में, क्योंकि इन महीनों का और इनका आपस में बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग नहीं होती है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं, ठीक है ना। तो मई जून के महीने में ज्येष्ठ मास आता है, इस समय जो शुक्ल पक्ष आता है, ठीक है, उसकी एकादशी को निर्जला ग्यारस का व्रत रखा जाता है ना, स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं, क्लियर है ना पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। दुर्गा व्रत की शुरुआत किस मास होती है, दुर्गा माता के व्रत की शुरुआत जो होती है वो किस मास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए। शाबाश। बताइए दुर्गा व्रत की शुरुआत जो होती है वो किस मास होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया है फिर से, ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपके लिए हाजिर है। और सी जिन्होंने आंसर देना शुरू किया है उनके अरमानों पर पानी फेर देता हूं, गलत है आषाढ़। अब बताओ, देखिए अब सी की बाहर आ गई थी ना, लेकिन मैंने सी को काट दिया। दुर्गा व्रत की शुरुआत जो होती है वो किस महीने से होती है, बताओ। शाबाश। दुर्गा व्रत की शुरुआत किस महीने से होती है। अब ए और बी पर आ गए, अब ए आंसर ज्यादा आ रहा है ना, ए आंसर ज्यादा आ रहा है, चलिए भाई ए भी गलत है। दुर्गा माता के व्रत की शुरुआत किस महीने से होती है, आपका ए भी गलत है, आपका सी भी गलत है, ठीक है। बताइए क्या राइट आंसर रहेगा। अब आंसर कुछ कुछ सही आना शुरू हुआ, आंसर आपका भक्तों बी भी गलत है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है श्रावण मास, ठीक है। दुर्गा माता के व्रत की शुरुआत जो होती है ना वो होती है किस मास से होती है, अभी श्रावण मास से होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार गौ पूजा से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा त्योहार है गौ पूजा से संबंधित है, बताइए। शाबाश। बताइए शाबाश। निम्न में से कौन सा त्योहार है गौ पूजा से संबंधित है, ठीक है। तो ओघद्वास और दुबड़ी दोनों ही है ना, दुबड़ी, ओघद्वास तथा दुबड़ी दोनों ही क्या है भैया आपके, प्रसिद्ध त्योहार हैं, गौ पूजा से संबंधित है। किस माह में मनाए जाते हैं, हमसे अगर पूछा जाए ना किस माह में मनाए जाते हैं, तो जो भाद्रपद का महीना, जिसे भादों का महीना बोल देते हैं हमारे घरों में, आपने कभी सुना हो तो, हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग भादों का महीना बोल देते हैं, तो ये त्योहार जो है ना भाद्रपद महीने में आते हैं। अभी क्या होता है, ओघद्वास जब होता है ना, ओघद्वास, तो ओघद्वास के दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं अपनी संतान के लिए,
ठीक है ना, स्त्रियां अपनी संतान के लिए व्रत रखती है, जबकि जब दुबड़ी का जो व्रत होता है ना, इस दिन क्या होता है भी, इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं अपने पति की मंगल कामना के लिए, ठीक है ना। किसके लिए व्रत रखती हैं भाई, पति की मंगल कामना के लिए। जो बेचारा पति दुबक कर बैठा होता है ना, जो बेचारा पति अपनी पत्नी से डरता हुआ दुबक कर बैठा होता है, उसी बेचारे दुबके हुए पति के लिए दुबड़ी के त्योहार के दिन स्त्रियां व्रत करती हैं भाई, याद रखना आज के बाद, ठीक है ना। तो ओग दवाश और दुबड़ी दोनों ही गौ पूजा से संबंधित हैं, ए और बी दोनों ही गौ पूजा से संबंधित हैं। स्त्रियां व्रत रखती हैं ओग दवाश के दिन अपनी संतान के लिए, और दुबड़ी के दिन अपने पति की मंगल कामना के लिए भाद्रपद के यानी कि भादों के महीने में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। शतकुंभा का मेला कहां लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने सुना होगा कि उस गांव में लगता है, यहां लगता है, वहां लगता है, ठीक है ना। मंजू दलाल बेटा मंथ नेम लिखवा देंगे सभी, ठीक है। हाँ बताइए, शाबाश, क्या राइट आंसर आने वाला है, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, ठीक है ना, सोनीपत के सतकुंभा मेला जो है ना वो खेड़ी गुज्जर नामक स्थान पर लगता है। अभी कहां पर लगता है, खेड़ी गुज्जर नामक स्थान पर है। पूछा जाए ना, सतकुंभा का मेला हरियाणा राज्य के किस जिले में लगता है, सोनीपत में। सतकुंभा का मेला हरियाणा राज्य के किस स्थान पर लगता है, खेड़ी गुजर नामक स्थान पर है। सतकुंभा का मेला खेड़ी गुजर में किन महीनों में लगता है, ठीक है ना। तो सतकुंभा का मेला जुलाई अगस्त के महीनों में लगता है भी, किन महीनों में लगता है, जुलाई अगस्त के महीनों में लगता है। अगर देशी मास देखेंगे तो लगभग श्रावण मास में जो है ना ये मेला लगता है भी। और जो आपका खेड़ी गुजर नाम शास्त्र वो था ना, इस स्थान को चकवा बैन राजा की राजधानी माना जाता है भी, ठीक है ना। चकवा बैन नामक एक राजा था, इस राजा की खेड़ी गुजर नामक स्थान को क्या माना जाता है भी, राजधानी माना जाता है। हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में स्थित है, और कौन सा मेला लगता है, शत कुंभा का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज शायद हमें मिली है यहां से। तो हरियाणा में किस जिले में अजात ऋषि के नाम से एक मेला आयोजित किया जाता है, हरियाणा के किस जिले में अजात ऋषि के नाम से एक मेला आयोजित किया जाता है, बताइए शाबाश। अजात ऋषि, ऑप्शन ए है भिवानी, ऑप्शन बी है रोहतक, ऑप्शन सी है पानीपत, ऑप्शन डी है महेंद्रगढ़। हरियाणा के किस जिले में, बताइए शाबाश। हां क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, ये चीज मैंने भी देख ली है आज क्लास में, जो है क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, बताइए शाबाश। अजात ऋषि का मेला कहां पर लगता है, ठीक है। कहां पर लगता है भाई, ऑप्शन ए यानी कि भिवानी में लगता है, हरियाणा के, हरियाणा की काशी, या फिर सीधा बोलो तो छोटी काशी में क्या लगता है भाई, अजात ऋषि के नाम से एक मेले का आयोजन होता है, याद रखना कहां पर है, भिवानी में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋतु परिवर्तन वह दान का पर्व किसे कहा जाता है, मकर संक्रांति को, वैसाखी को, होली को, या दीपावली को। ऋतु परिवर्तन का पर्व व दान का पर्व मकर संक्रांति को कहा जाता है, या फिर होली को कहा जाता है, वैसाखी को कहा जाता है, या दीपावली को कहा जाता है, बताइए बेटा शाबाश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है ना। किसे कहा जाता है, मकर संक्रांति को कहा जाता है भी, किसे कहा जाता है, मकर संक्रांति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दान का पर्व कहा जाता है, ऋतु परिवर्तन का पर्व कहा जाता है। और मकर संक्रांति के पर्व की एक खास बात बताऊं, जैसे पर्व होली है त्योहार,
दीपावली है, त्योहार है, ठीक है। तो ये ना किसी फिक्स दिनांक को नहीं आते, आगे पीछे डेट होती रहती है, किसी साल में किसी महीने में आ जाते, मतलब किसी तारीख को आ जाते हैं, किसी साल किसी तारीख को आ जाते हैं। लेकिन मकर संक्रांति की एक फिक्स दिनांक है, मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। अभी कितनी तारीख को, 14 जनवरी को। मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले होता है लोहड़ी का त्यौहार, ठीक है ना। कौन सा होता है? लोहड़ी का त्यौहार 14 तारीख को, मकर संक्रांति का त्यौहार जो कि ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबाला के दुर्राना नामक स्थान पर, अंबाला के दुर्राना नामक स्थान पर आयोजित होने वाला एक प्रमुख उत्सव बसंत पंचमी का उत्सव है, या फिर शिवरात्रि है, या शिव चौदस उत्सव है, या लोहड़ी है, बताइए। शाबाश, अंबाला के दुर्राना नामक स्थान पर आयोजित होने वाला है ना, बताइए। शाबाश, सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे एक एक बार। 161 वी आर नाउ, हम 161 हैं, इसे एक एक बार शेयर कर दो, ये 200 प्लस चला जाएगा, ठीक है। चलिए शाबाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल सही आंसर सभी बच्चों का। शिव चौदस उत्सव अंबाला जिले के दुर्राना नामक स्थान पर है, शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट है? बिल्कुल सही आंसर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्व है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। बताया था ना, प्रत्येक मास में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा पर्व है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आयोजित होता है, बताइए। शाबाश, होली, मकर संक्रांति, वैसाखी, या शिवरात्रि, ठीक है, बताइए कौन सा त्यौहार है इनमें से, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा पर्व है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आयोजित किया जाता है, बताइए। वेरी गुड, जिन जिन बच्चों का आंसर डी आया है ना, वो बिल्कुल सही आया। भी शिवरात्रि का त्योहार है ना, एक होता है भी शिवरात्रि का त्योहार, एक होता है महाशिवरात्रि का त्योहार। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जो चतुर्दशी, चतुर्थी नहीं चतुर्दशी होती है, इस दिन कौन सा त्योहार होता है, शिवरात्रि का त्यौहार होता है, याद रखिएगा आज के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, बताइए जल्दी से। यह क्वेश्चन आपको मैं पहले करवा चुका हूं, ठीक है ना। होली का त्यौहार है किस माह में मनाया जाता है, होली के दिन है ना, होली के दिन कुछ मेले लगते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट एक दो है वो करवाता हूं। होली के दिन कुछ मेले लगते हैं, एक मेला लगता है भाई हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में, जो गुरुद्वारा लाखन माजरा है ना, गुरुद्वारा लाखन माजरा में, होली के दिन गुरुद्वारा लाखन माजरा में एक मेला लगता है जो कि हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में। इसी होली के दिन एक ढिंगसरा नामक गांव में है ना, ढिंगसरा नामक गांव में मनश्यागर बाबा का मेला भी लगता है, ठीक है, मनश्यागर बाबा का मेला, जो कि सिर्फ ये फतेहाबाद जिले के अंदर स्थित है। ढिंगसरा नामक गांव हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है, ढिंगसरा के अंदर मनश्यागर बाबा का मेला लगता है, ठीक है ना, जो सिर्फ होली के दिन नहीं दिवाली के दिन भी लगता है। यह मेला दोनों दिन आयोजित होता है, दिवाली और होली। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होली का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है भाई, फाल्गुन के महीने में। किस माह में मनाया जाता है, फाल्गुन के महीने में, ठीक है, और फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन, याद रखना फाल्गुन की पूर्णिमा। और पूर्णिमा हमेशा कौन से पक्ष में आती है,
पूर्णिमा हमेशा शुक्ल पक्ष में आती है, याद रखना। दो पक्ष बताए मैंने आपको, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो जो महीना होता है उस महीने का जो शुक्ल पक्ष होगा ना उसमें पूर्णिमा आती है, और जो कृष्ण पक्ष होगा उसमें अमावस्या आती है, हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो होली का त्यौहार है फाल्गुन महीने में की पूर्णिमा को, यानी कि ये शुक्ल पक्ष में आयोजित होने वाला एक त्यौहार है, ठीक है। होली के दिन गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक के अंदर मेला लगता है। होली और दिवाली के दिन मनसागर बाबा की याद में ढिंगसरा नामक गांव में, गांव का नाम लिखना भूल गया क्या मैं, चलिए ढिंगसरा नामक गांव में ये मेला लगता है, हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में, पिंक सिटी फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर को किस फिल्म से सर्वाधिक सफलता मिली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर, इन्हें किस फिल्म से सर्वाधिक सफलता मिली? चंद्रावल से, पनघट से, फूल बदन से, लाडो बसंती से? निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर को किस फिल्म से सर्वाधिक सफलता मिली, बताओ। शाबाश, एक एक बार सेशन को भी सभी बच्चे शेयर कर देंगे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है भी, इसका राइट आंसर है तो निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर को चंद्रावल फिल्म से सर्वाधिक सफलता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार वाचक मीमांसा मलिक का संबंध हरियाणा राज्य के किस जिले से है? समाचार वाचक मीमांसा मलिक हैं जो लगभग 1996-97 से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं, ठीक है ना, जी न्यूज पर हैं। समाचार वाचक हैं मीमांसा मलिक है, इनका संबंध है हरियाणा राज्य के सिरसा, पंचकुला, सोनीपत और रोहतक, इनमें से किस जिले से है? समाचार वाचक है मीमांसा मलिक का संबंध है हरियाणा राज्य के किस जिले से है, बताइए। शाबाश, समाचार वाचक मीमांसा मलिक का संबंध किस जिले से है? सिरसा, रोहतक, सोनीपत, पंचकुला, बताइए। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। सी को लॉक करें क्या? चलिए लॉक कर दिया भाई। समाचार वाचक हैं जी न्यूज, समाचार चैनल हैं उससे जुड़ी हुई हैं, नाम है मीमांसा मलिक, हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले से संबंध रखती हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद में जन्मी रिचा शर्मा की ख्याति किस विद्या के कारण है, बताइए। फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ है, रिचा शर्मा इनका नाम है, किस क्षेत्र से? ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, ये पटकथा लेखन हैं, या फिर फिल्मों में गायिका हैं, या डांसिंग से संबंधित हैं, किस चीज में फेमस हैं? हरियाणा टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा तो क्लास के तुरंत बाद बात करूंगा बेटा, ठीक है ना, क्लास के तुरंत बाद बात करेंगे और सही करवा देंगे। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वह क्या है भाई, गायिका, ठीक है ना। रिचा शर्मा नाम कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आपको, रिचा शर्मा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले की, ठीक है। गायिका है सोनू निगम, सोनू निगम ये भी फरीदाबाद से हैं, ये गायक हैं। इसके अलावा आपके अजय रात्रा हैं, अजय रात्रा ये क्रिकेटर हैं, ये भी फरीदाबाद से हैं। मोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, वो भी फरीदाबाद से हैं, क्लियर है ना पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एच ई एम एस का अर्थ है हरियाणा खालिस्तान मैनेजमेंट सोसाइटी, बताइए। शाबाश, एच ई एम एस का संबंध किस से है, बताइए। शाबाश, एच ई एम एस में हरियाणा खालिस्तान मैनेजमेंट सोसाइटी तो आपको दिखा ही दिया, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये बताना है खालिस्तान में क्या आएगा, बताइए। वेरी गुड, एच ई एम एस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। शाबाश,
वेरी गुड। एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही, हरियाणा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी, हरियाणा पर्यावरण प्रबंधन सोसाइटी, ठीक है ना, हरियाणा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी। पूछा जाए ना इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना, तो इसकी स्थापना होती है आपकी जनवरी 2002 में, ये भी याद रखना आज के बाद। एच ई एम एस की स्थापना कब हुई थी, हरियाणा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो जनवरी 2002 में हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शाबाश, क्या राइट आंसर आएगा। जींद में ब्राह तीर्थ किसको समर्पित है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि ब्राहा नामक तीर्थ स्थल हरियाणा राज्य के किस जिले में है, तो ब्राहा नामक तीर्थ स्थल हरियाणा राज्य के जींद जिले में है। जींद जिले में स्थित ब्राहा नामक तीर्थ स्थल किन्हें समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। देखिए किन्हें समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, इंपोर्टेंट है। और क्यों इसे ब्राहा तीर्थ कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु यहां पर अपने 12 अवतार में अवतरित हुए थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहां पर भगवान विष्णु अपने 12 अवतार में अवतरित हुए थे भाई, ठीक है, इसीलिए ब्राहा तीर्थ महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, केवल 21 वर्ष की आयु में इंडियन क्रिकेट टीम के पहले कप्तान बनने का श्रेय किन्हें जाता है, भाई महज छोटी सी आयु में कप्तान बनने का श्रेय किन्हें जाता है, बताइए शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कपिल देव, अजय जडेजा, मशहूर अली पटौदी, अजय रात्रा। ये देखिए अजय रात्रा मैंने आपको करवाया था ना, फरीदाबाद से है, आ चुका है मतलब ये आपके सामने अभी। मशहूर अली पटौदी गुरुग्राम से संबंधित है, कपिल देव हरियाणा हरिकेन चंडीगढ़ से संबंधित है। केवल 21 वर्ष की आयु में भारत की क्रिकेट टीम का पहला कप्तान बनने का श्रेय किन्हें जाता है, बताइए शाबाश, कपिल देव को, अजय जडेजा को, मशहूर अली पटौदी को या अजय रात्रा को, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, मशहूर अली पटौदी को, ठीक है ना, मशहूर अली खां पटौदी को क्या है भाई, केवल 21 वर्ष की आयु में इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान बनने का श्रेय जाता है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शाबाश, बम लहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है, बम लहरी लोकगीत है इसका संबंध किस गीत किन से है भाई, ये पूछा है, ठीक है ना, बम लहरी, कोई बच्चा ये बता सकता है क्या, देखिए बम लहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है, यह पूछा है, तो साथ में क्या कोई बच्चा यह बता सकता है भाई, ये किसके द्वारा रचित और किस फिल्म का गीत है, ठीक है ना, बम लहरी, चलिए जल्दी बताइए, शिव पार्वती, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, शिव है पार्वती से संबंधित, आपने सुना होगा बबम बम बम लहरी, ठीक है, तो बम लहरी लोकगीत है, शिव पार्वती से संबंधित है, यह किस फिल्म से संबंधित है, बताइए शाबाश, किस फिल्म से संबंधित है, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है। सतीश कौशिक, गलत आंसर है भाई, ठीक है ना, बताइए शाबाश, यह किस फिल्म से संबंधित गीत है, देखिए ध्यान दीजिएगा, शोर इन द सिटी, शोर इन द सिटी मूवी से संबंधित है और किसके द्वारा रचित है भाई, कैलाश खैर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कभी भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शोर इन द सिटी मूवी का गीत है, कैलाश खैर के द्वारा रचित है, बबम बम 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 लहरी, ठीक है, भगवान शिव पार्वती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शाबाश, हरियाणा के में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2,00,000 रुपए का पुरस्कार किस नाम से महिलाओं को दिया जाएगा, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2,00,000 रुपए का पुरस्कार महिलाओं को
किस नाम से दिया जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई, मैरी कॉम, कल्पना चावला या इनमें से कोई नहीं। हां, शोर इन द सिटी बिल्कुल सही आंसर था। बताइए, वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो महिलाओं को दिया जाएगा वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से दिया जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। और किस फील्ड में भाई, खेलों में यानी कि गेम स्पोर्ट्स में, और कितना अवार्ड दिया जाएगा, 2,00,000 रुपए का। क्लियर है पॉइंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा राज्य के किस जिले में, ये बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से, ठीक है ना। भारत में भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर, भारत में भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर किस जिले में स्थित है, ठीक है। जींद तो मुझे गलत लग रहा है भाई, पहले ही बता रहा हूं, जींद मुझे गलत लग रहा है, फिर मत कहना गुरुजी ये क्या कर दिया। जींद वालों होश संभालो, अभी मौका है, आंसर बदल डालो, ना तो जींद आएगा, ना पानीपत आएगा, ना रेवाड़ी आएगा। ध्यान दीजिएगा, भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है, क्लियर है ना। इसके बाद देखा जाए ना, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर पूछा जाए, भगवान है परशुराम है सर्वधर्म है मंदिर पूछा जाए तो ये कहां पर है भाई, ये जगाधरी में है, ये जगाधरी हरियाणा की छोटी पीतल नगरी, कहां पर है, यमुनानगर में। और आप लोग जो आपस में बातें करते हो ना क्लास में, उसी का नुकसान है ये क्वेश्चन आपको पहले 3 बार करवा चुका हूं, आज 4थी बार आपके सामने आया है, लेकिन फिर भी आपका आंसर जींद आया है, किसी का कुछ हो रहा है, भिवानी। जिन बच्चों का स्पेशल ध्यान सिर्फ क्लास में होता है ना, उन्हीं का आंसर भिवानी आया है, बाकी का गलत आया है। और यही एक एक दो दो नंबर होते हैं जो हमें हर बार सिलेक्शन से रख देते हैं, इसीलिए कहता हूं क्लास में आए हो तो अपना पूरा टाइम इधर दीजिए, ठीक है, इधर उधर की बातें मत कीजिए। बता दीजिए मुझे कि सर हम रह ही नहीं सकते बातें किए बगैर, तो आपको स्पेशल 5 मिनट का टाइम दे दूंगा अभी, अब जी भर के बातें कर लो, ठीक है ना। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान करो इस चीज का, जो हमें समय मिला है उसका हमें सही यूज करना है लाडलो, ठीक है ना। तो सही यूज यहां पर ध्यान देने से होगा। तो भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर जगाधरी यमुनानगर में, भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के भिवानी में। ये टाइम है ना, ये हमारे लिए गोल्डन पीरियड है। एक चीज बता देता हूं बच्चों आपको, ये टाइम है हमारे लिए गोल्डन पीरियड है, अगर ये टाइम चला गया ना तो ये दोबारा नहीं आएगा। आज हमने जो 1 मिनट खो दिया वो खो दिया, याद रखा करो इस चीज को और सेशन को शेयर किया करो, ठीक है ना। बताइए, शाबाश, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है सीसवाल, इसका उत्खनन किसने किया था, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सीसवाल का उत्खनन किसने किया था। बताइए, बताइए, शाबाश, वेरी गुड, सूरज भान, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रोफेसर थे, कौन थे भाई, सूरज भान है, इन्होंने 1968 में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सीसवाल का उत्खनन शुरू किया था। क्या किया था भाई, सीसवाल का उत्खनन शुरू किया था, क्लियर है पॉइंट है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आपकी आज की शानदार सी जानदार सी हरियाणा जीके की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाडलो, पीडीएफ के लिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ का जो फ्री का सेक्शन बना हुआ है ना, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के तुरंत बाद। इसके अलावा हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है,
उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां भी आपको पीडीएफ मिलेगी। और आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोज डालता हूं, सभी वो बच्चे वीडियो जरूर देखें, उन वीडियोज को सोशल मीडिया के अपने हर प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर किया कीजिए, हर एक जगह उसे जरूर शेयर किया कीजिए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को शेयर करना प्रिय विद्यार्थियों, और कैसी लगती है ये वीडियो अपना रिस्पॉन्स जरूर देना। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना सभी बच्चे, और सब्सक्राइब कीजिए हरियाणा एग्जाम्स बाई एग्जामपुर और एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को। अभी किसी बच्चे को इधर उधर नहीं भागना है, अभी चलेंगे सीधा स्टैटिक जीके की क्लास, आपकी जो 9:20 पर स्टार्ट होने वाली है, स्टैटिक जीके की क्लास अटेंड करनी है सभी बच्चों को। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।